मात्र 30 साल की उम्र में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल एक बेहतरीन कवि, शायर, कुशल वक्ता और साहित्यकार भी थे। भले ही आज उन्हें भगत सिंह की तरह याद ना किया जाता हो, लेकिन देश के प्रति उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। ब्रिटिश साम्राज्य को काकोरी कांड से दहला देने वाले महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की पुण्यतिथि पर पेश है ये खास रिपोर्ट। शायर बिस्मिल अजीम आबादी की इस नज्म को गाते हुए मौत को गले लगाने वाले स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म यूपी में 11 जून 1897 को हुआ। उस दौर में उर्दू का बोलबाला होने के चलते उन्होंने एक मौलाना से उर्दू की शिक्षा ली, लेकिन धीरे धीरे उनका रुख हिंदी की तरफ हो गया और इसके साथ ही वो आजादी के आंदोलन से भी जुड़ गए। देशभक्ति की भावना लिए उन्होंने कई रचनाएं लिखी जो कि उस दौर में काफी प्रचलित रही, इसलिए उन्हें राम और अज्ञात के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद वो घड़ी भी आई जब संगठन के क्रांतिकारियों ने 1918 में मैनपुरी में अंग्रेजों से सीधे मुंह संघर्ष किया, लेकिन उनके ही एक साथी की गद्दारी से पुलिस ने हथियार जब्त कर लिए। हालांकि इस संघर्ष में 50 सैनिक ढेर हुए और 35 क्रांतिकारी भी शहीद हुए। मैनपुरी षड्यंत्र के बाद 6 क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल भूमिगत हो गए। इस दौरान एक अफवाह से बिस्मिल को मृत मान लिया गया। वहीं बिस्मिल ने एक गांव में शरण लेकर लेखन का काम किया। इसके कुछ सालों बाद वो वापस क्रांतिकारियों से जुड़े, कई आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूटकर काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसमें अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई महान क्रांतिकारी शामिल थे। सरकारी खजाना लूटने के आरोप में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 40 से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। इसके बाद 19 दिसंबर 1927 को हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। देश की आजादी में रामप्रसाद बिस्मिल का अतुलनीय योगदान रहा। फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले रामप्रसाद बिस्मिल ने अजीमाबादी की गजल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है का शेर पूरे जोशो खरोश से गाया। यही कारण है कि उनके कहे अंतिम बोल आज भी युवाओं की जुबा से जोश भरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।